रंग पंचमी पर पीएसआई ने रेस्टोरेंट कर्मचारियों को पीटा, वीडियो वायरल हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। रंग पंचमी के दिन भोपाल के रातीवड़ थाने के पीएसआई उदय सिसोदे ने नेंदबड़ स्थित प्रताप रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी के साथ डंडे से जमकर मारपीट की। कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह स्टाफ के साथ होली खेल रहा था। सोमवार को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही अधिकारियों ने पीएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय राजेंद्र बहादुर विष्ट पिछले 10 सालों से प्रताप रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। रंग पंचमी की शाम को राजेंद्र स्टाफ के साथ होली खेल रहा था, तभी वहां थाना मोबाइल से पीएसआई उदय सिसोदे 3-4 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर खड़े राजेंद्र से कुछ बात की, इसके बाद गाली गलौज कर हाथ मिले डंडे से उस पर ताबड़तोड़ 10 बार किए। पीएसआई ने राजेंद्र के हाथ पैर पर डंडे मारे, इसके बाद वह वहां से चले गए। ये नीलवर प्रताप गार्डन रेस्टोरेंट काम करते हो? जी, यही काम करता हूँ। कितने वर्षों से काम कर रहा हूँ? 10 10 साल से। जी, किसी प्रकार का कोई विवाद किसी से हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं। क्या उस दिन रंग पंचमी के दिन क्या घटना घटी तुम्हारे साथ और इस तरह की? हम लोग यहाँ पर होली खेल रहे थे। कौन कौन? यहाँ स्टाफ लेबर, होटल के सारे। जी, फिर होली खेल के फिर हम लोग बाहर खड़े थे। फिर वो आए पुलिस वाले, उन्होंने डंडे मारा, मेरे पकड़ के अंदर ले आए, यहाँ मारा। फिर उन्होंने वो कैमरा देख फिर बाहर ले जाकर मारा। कितने लोग थे साथ? साथ में 3-4 लोग, 4-5। क्या नाम था पुलिस वाले? उदय सिंह सिसोदी। और किससे मारे थे? डंडे से। और क्या गाली वाली भी दे रहे? गाली उल्टी तो गाली वाली मामले में गाली कर दे रहे थे। नाम बता दो। राजन बहादुर बिष्ट। यह पूरा घटनाक्रम रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। राजेंद्र ने बताया कि पहले उसे रेस्टोरेंट के अंदर मारा गया। जब पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे लगे देखे तो वह उसे बाहर ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना का खुलासा होने पर पुलिस अधिकारियों ने पीएसआई उदय को लाइन अटैच कर दिया है। इस घटना के बाद लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग पीएसआई की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को आम नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें पीटना नहीं चाहिए। यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। पुलिस को ऐसे मामलों में संयम से काम लेना चाहिए और आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। भोपाल से हमारे रिपोर्टर आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।